तो मेरे भाइयों, क्या हालचाल? तुम लोग यार बहुत शाणे बन रहे हो आजकल, लाइक ही नहीं करते हो। आज मुझे 1 मिलियन लाइक्स चाहिए। अबे भाई, इतनी तो ऑडियंस ही नहीं बची फ्री फायर में। ओ गाइस सॉरी, कल लोकेश का एक मीम देखने के बाद भावनाओं में बह गया था, लेकिन जितने भी लोग बचे हैं उतने लोग तो लाइक कर ही दो। सही बात है, चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट है ओजी के बारे में। तो तुम सबकी खबर की प्यास बुझाने के लिए ओल्ड मॉन्क, अरे वो ओल्ड मॉन्क नहीं, क्लियर मॉन्क ने बताया कि पहाड़ी की बूट कैंप में एंट्री की प्रोसेस कहां तक पहुंची है। क्लिप। आज टूर्नामेंट है क्या? टूर्नामेंट श्योर दैट योर गॉडी नेम लिव्स ऑन। बट अभी वो सब कर गए हैं, आएंगे सब खेलेंगे। 13 तारीख को आ जाएंगे, 7 तारीख। इससे हुआ बहुत दिनों बाद मॉन्क भाई पहाड़ी भाई को लेके आया क्या था? तो पहाड़ी गेमिंग आ जाएंगे, तुम टेंशन मत। तो पहाड़ी भाई इस थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता, बट पहाड़ी भाई इज वेरी वेरी अच्छा इंसान। पहाड़ी भाई विल अंडरस्टैंड एंड पहाड़ी भाई विल कम बैक, डोंट वरी मच भाई। पहाड़ी कब कम बैक करेगा? लीक पहाड़ी ब्रो विल कम बैक डेफिनेटली, बट उस वो बुटकैंप आ जाएगा तो खेलेगा भाई। अभी जॉन्टी भाई और जय गए तो है, उधर आएगा तो फिर लेके ही आएंगे शायद। मैं भी होता तो फिर मैं तुमको बता सकता था, मैं गया नहीं। मैं थोड़ा तो जी के फैंस को अब धीर होने की जरूरत नहीं है। जय और जोंटी भाई मिशन पहाड़ी की वापसी को अकम्पलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाला मिशन वाइव सिटी में हेलीकॉप्टर से बॉम्ब प्लेस करने वाले से भी ज्यादा क्रिटिकल निकला। वैसे यार किसी ने किया है वो वाला मिशन? मुझे 10-12 अटेम्प्ट्स लगे थे। नेक्स्ट अपडेट है गोल्ड लाइक की तरफ से। बहुत हो गया, अब जवाब देना ही पड़ेगा। पाजी ने जैसे ही बोला जवाब देना पड़ेगा, मुझे लगा कि यार न्यू स्टेट वाली कंट्रोवर्सी का जवाब क्रोंटन ने दे दिया था, अब कौन सा जवाब है। लेकिन अब गोल्ड लाइक वाले अपनी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, लिट टॉक्स, जहां अलग अलग टॉपिक पे मिर्च मसाला वाली कन्वर्सेशन होगी। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनके इंस्टाग्राम पे जाके सवाल करने लगो कि फ्री फायर कब आएगा। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब भर तक ले पार्ट पे जिसका नाम है गैस द फोटो। कल की फोटो थी जियान की, अब आज की फोटो गैस करो। आपके ऑप्शंस हैं ए वाइपर, बी योगी, सी डिलीट एंड डी किलर। चलो फिर अब जल्दी से कमेंट कर दो और साथ के साथ लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट अपडेट है शाइनिंग स्टार से। तो उसे जीत लिया हमेशा की तरह टीम हिंद ने, सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। सेकंड पर रही TWOB एंड थर्ड पोजीशन पर रही इनसेन ईस्पोर्ट्स, और इसका MVP बना अपना बॉडी बिल्डर शोंटी। अगली अपडेट है TSG आर्मी के बारे में। तो वाइपर द कास्टर ने बताया है कि TSG में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। वाइपर आपको क्या लगता है गेम आएगा तब TSG वही रहेगा कि टूट जाएगी? TSG के बारे में मेरे को कोई कुछ चीजें मालूम है जो कि मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, बट इतना बोल सकता हूँ यू विल सी चेंजेस इन TSG आर्मी बहुत सून, बहुत 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 सून, इतना बता सकता हूँ। क्या मतलब ट्रोलेक्स भी TSG ज्वाइन कर सकता है? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब हम बढ़ते अगले सेक्शन पे जिसका नाम है नॉलेज चेक। कल के क्वेश्चन का आंसर था लोकेश, आज बताना है फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को कौन अनवील करेगा। नेक्स्ट अपडेट है इंडियन ई स्पोर्ट्स के बारे में। तो फ्री फायर और BGMI का ई स्पोर्ट्स सीन तो होल्ड पे है, एंड न्यू स्टेट का अभी ऑफिशियल डेब्यू हुआ नहीं है, बट इस बीच पोकेमॉन यूनाइट का ई स्पोर्ट्स सीन काफी बढ़ रहा है। इंडियन टीम्स को ऑफिशियल एशिया चैंपियनशिप में खेलने का मौका मिलेगा, जिसके लिए रेवनेंट ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है। इंडियन क्वालिफायर इसका ई स्पोर्ट्स करा रहा है, एंड एक और टीम क्वालिफाई होगी तो इंडिया की दो टीम जाएंगी क्वालालंपुर मलेशिया मार्च 2023 को। FF के लिए तो नहीं, बट इंडियन ई स्पोर्ट्स के लिए अच्छी खबर है। इन सभी अपडेट्स को कवर करने का मकसद तुम्हें ये बताना है कि ई स्पोर्ट्स उतना ही नहीं है जितना तुमने सोच रखा है, ई स्पोर्ट्स उससे काफ़ी बड़ा है। अगली अपडेट है SA12 के बारे में। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि सिड भाई ने बताया है कि SA12 माफियाज का लाइनअप हायर करना चाहती थी। भाई सोल सिट सेट कि हम टीम माफियाज का लाइनअप एक्वायर करने सोच रहे हैं, पर वो HOG ज्वाइन कर लिए। सी द थिंग इज लाइक छोड़ बोल नहीं सकते स्ट्रीम पे, बट मैंने बहुत पहले ही आज से लाइक कितना अल्ट है, 1 साल पहले ही ऑलमोस्ट मैंने ठग भाई को बोल भी दिया था कि यू कैन एक्वायर टीम माफियाज, मेरे पास चैट पड़े हुए, तुमको चाहिए होगा तो। कुछ ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा नहीं क्या डिस्कशन हुआ था, बट हाँ मैंने लाइक ऐसे ठग भाई को रिकमेंडेशन दे के रखा था,
तो बहुत टाइम से टीम माफियाज के ऊपर नजर थी एसएटीएल की, अगर ऐसा कुछ बोला है तो हो सकता है. बाकी द थिंग इज टीम माफियाज और एसएटीएल के रिक्वायरमेंट्स मैच नहीं कर रहे थे. लाइक टीम माफियाज की जो डिमांड थी एंड एसएटीएल जितना दे सकती थी वो मैच नहीं कर रहे थे. तो दैट्स वन ऑफ द रीजन कि आपको टीम माफियाज नहीं नजर आई होगी एसएटीएल में. एसएटीएल सैलरी कम देती है पर उसके अपार्ट काफी चीजें रहती हैं, और ये बात सिड भाई ने न्यू स्टेट लाइनअप कंट्रोवर्सी के टाइम बताई थी. एंड आई थिंक नॉट जस्ट एसएटीएल, एनटीटी के टाइम से एक वे ऑफ वर्किंग है जहां पे आई डोंट लाइक गेटिंग इनटू बिडिंग वॉर्स विद एनीबॉडी एल्स. क्योंकि इफ दे आर जॉइनिंग माय ऑर्ग, बैक देन इट वाज एनटीटी, नाउ इट इज एसएटीएल. आई नो माय ऑर्ग प्रोवाइड्स मोर वैल्यू अपार्ट फ्रॉम द सैलरी इन एवरीथिंग एल्स, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. इसके लिए विच इज व्हाई आई डोंट गेट इनटू अ बिडिंग वॉर एंड वी डोंट फाइट कि ये इतना दे रहा है तो हम ज़्यादा देंगे, हम उसको बीट करेंगे, हम उससे ज़्यादा सैलरी बढ़ाएंगे. ठीक है, तो वी ट्राइड टू हैव अ डिस्कशन बट दे हैड अ, आई गेस सैलरी वाइज दे हैड अ बेटर ऑफर फ्रॉम समवेयर एल्स. तो हम लोग ने बोला कि नो प्रॉब्लम, हम लोग नेगोशिएट भी नहीं करेंगे उसके लिए एंड दे वर रेडी, मतलब दे वर फ्री टू गो वेर एवर दे वॉन्ट. सो वी आर नॉट गेटिंग इन टू अ बिडिंग वॉर विद एनी अदर ऑर्ग. सी बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड, वी अगर हम लोग ने एक्स अमाउंट ऑफर किया है वो प्लेयर्स को, दूसरी ऑर्ग्स को एक्स प्लस 15 या एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 20 करना पड़ता है बिकॉज दे नो कि उतना करेंगे तो ही ये लोग एसएटीएल छोड़ के हमारे पास आएंगे. राइट, दैट इज़ हाउ इट यूजली वर्क्स, विच इज़ वाई हम लोग का जो सैलरी होता है वो विच इज़ वेरी मार्केट रेट, या मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग अंडर पे करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम लोग ओवर पे भी करते हैं किसी को. तो जो ज़्यादा हम लोग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, अगर प्लेयर्स को वो अच्छा लगता है तो वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं. अगर वो लोग को सिर्फ वो फ्लैट 30-40-50 हज़ार रुपये कमाना है तो वो लोग कहीं और चले जाते हैं, विच इज़ फाइन. आई डोंट जज देम, हर बंदे का अपना डिसीजन होता है. इवन ऋषि भाई सेड दैट सैलरी इज अ ड्रग, 100% सैलरी इज अ ड्रग. इफ यू जस्ट कीप रनिंग बिहाइंड सैलरी, दैट विल ऑलवेज बी योर फोकस, दैट विल ऑलवेज बी योर फोकस. विच इज वाई एसएटीएल, द डे आई स्टार्ट नेगोशिएशन विद एनी न्यू प्लेयर, आई स्ट्रेट अप टेल देम, लुक, वॉट एवर वी आर गोइंग टू ऑफर यू विल मोस्ट लाइकली बी लोअर देन वॉट एवर एवरीबडी एल्स इज ऑफरिंग यू. And why people offer more than what we do is because they understand that they have to provide more monetary value, क्योंकि नहीं तो बंदा एसएटीएल ही जाएगा. अगर हम लोग 20,000 दे रहे हैं और वो लोग भी 20,000 देंगे तो there is no way, no player in India जो बोलेगा मेरे को एसएटीएल नहीं जाना. Right? That is how it usually works. So, अगर जब हम लोग 20,000 देते हैं तो सामने वाला 60 ऑफर करता है, क्योंकि फिर वो 40 के डिफरेंस की वजह से हो सकता है वो प्लेयर वहाँ चले जाए. That's how it usually works. अगली अपडेट है बॉस ऑफिशियल के बारे में. तो हाँ गाइस, ई स्पोर्ट्स वाला वापस बॉस से खेलने लगी है. बात की जाए बॉस की तो रोकी भाई, बॉस जो हमारी टीम होने वाली जिसको हम ई स्पोर्ट्स वाले के नाम से भी जानते थे, और वापस से ई स्पोर्ट्स वाला जब इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ होगा वापस से अपने घर पे लौटे हैं, बॉस के नाम से खेल रहे हैं. और व्हीकल का जो मैटर है काफ़ी शानदार तरीके से यूज़ करते हैं बीस्टो का, आज हम देखते हैं कितने क्लियर व्हीकल से करते हैं रोकी भाई. अगली एक फनी अपडेट है, अभी लोगों की बाइक चुरा के भागने का सिलसिला खत्म भी नहीं हुआ था, इग्नाइट ने दूसरों के टोकन्स उठा के रिवाइव भी देना शुरू कर दिया है. जाने जाने जा रहा जा रहा जा रहा भाई, अरे अरे तो बंदे गाइस ब्रो दीगा जा 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 जाके करते फटाफट डील उठा 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 बेस्ट बेस्ट है बोल डाल के करियो कर 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 तीनों कर. अरे इसके तोसी भाई इधर आ जाओ. अब बढ़ते अगले सेक्शन पे जिसका नाम है टॉप प्ले ऑफ द डे. आज का पहला टॉप प्ले टीएम लेखी का, जिन्होंने 1v3 किया है. बैक टू मैन एडवांटेज, चार बंदों का फायदा उठाते हुए यहां पे शायद माफियाज को भी एलिमिनेट करने में कामयाब. एंटी मैटर लॉन्चर का एक बार फिर से इस्तेमाल करते हैं, पीछे की तरफ से खिलाड़ी आ गया, एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमला, एक बार फिर से ओपेरा एक्स के खिलाड़ी को नॉकआउट कर दिया लीकी ने. लीकी को बचाना माफिया वाला के लिए काफी कारगर साबित होगा. यहां पे लीकी का एक और जबरदस्त नॉकआउट, बैक टू बैक दो एलिमिनेशन के बाद लीकी मैदान में तक, यहाँ पे तैनात है. क्या मुकाबले को यहाँ पे जीत में तब्दील कर पाएंगे लीकी, खुद को मेडिकल लगाने की कोशिश करते हैं. लीकी का एक और नॉकआउट, लीकी 1v1. अगला टॉप प्ले सासुके का, तो सासुके ने टीएसजी आर्मी को वाइप कर दिया है. पूरा पूरा स्कोप खोल के बैठे हुए, जैसे ही थोड़ा सा बाहर आएंगे वैसे ही शॉट्स करेंगे, बट लेजर को यहाँ पे पूरी तरीके से एलिमिनेट कर लेगा. पवन यहाँ पे हॉट्स को एलिमिनेट करेंगे, ब्लैक को पूरी तरीके से वाइप आउट किया जाएगा. देखते हैं टोटी के हाथ में एक और खेल आएगा, और सासुके लेजर को पूरी तरीके से वाइप आउट करेंगे. वाइल्ड बैटल भूया लड़के बहुत ज्यादा करीब, लेजर को एलिमिनेट किया जा चुका है थोड़ी देर पहले, ब्लैक को किया जाएगा नॉकआउट, ग्लूवर्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, बैक टू बैक एलिमिनेशन देखने को मिलेगा, ब्लैक को किया जाएगा फिनिश चॉप, और आखिरी के दो ही खिलाड़ी जीवित है.
TSG आर्मी के द्वारा और 6 खिलाड़ियों के साथ। ओह माय गॉड, व्हाट अ शॉट बाय, ऑल राइट, यहां पे कमाल के शॉट आवेश के प्रोवाइड करते हुए नजर आएंगे। एंड लीजिए एलेक्सा प्लीज प्ले हमें तो अपनों ने लूटा। नेक्स्ट ऑफ प्ले इनसेन का, जिन्होंने फिर से 1v3 कर दिया है। छिड़ा रहे इनका। अरे एक नाम तो एक ही दिखा था गाड़ी से। आओ तो एक तेरे पीछे दो बैरल खाए 94 मोको एक दे कल नॉक है। दो पीछे दो बंदे हैं, ठीक है, मोको एक दे। एक नॉक है, डबल किल। कहां है लाश? ये काउंटर पर डैमेज है, शॉट नॉक है। वो हील हो गया ओरिजिनल आगे की। इसका पेल 150 की गया, वहां पे चल निकल जाएगा। और हमारा लास्ट पार्ट है क्रेडिट्स का। तो आज की वीडियो बनाने में हेल्प किए मेरे कुछ भाइयों ने, जिनका नाम है कसाना, देबू और डेंजर हिम्मत। ये भाई काफी हेल्प करता है, थैंक यू सो मच। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। चलो हम मिलेंगे कुछ शानदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।